गुड मॉर्निंग, ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वापस वही पॉलिटिक्स की न्यूज़। नेक्स्ट दो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, एक इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के बारे में और नेक्स्ट ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में। हालांकि ये न्यूज़ में तो अभी इसलिए चल रहा है कि अभी कुछ बातें आप लोग सुन रहे होंगे, लेकिन हमारे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से वैसे भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है आर्टिकल 324 के बारे में, आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हो, डिवीज़न बहुत टाइम कर चुके होंगे, कॉमन है ये आर्टिकल 324। राज्य के विधानमंडल, संसद या राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले सभी चुनावों के साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए, देखो दो बातें हैं यहाँ पर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचक के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन, मतलब इलेक्शन कमीशन 324(1) के तहत करता है। नेक्स्ट 324 के तहत चुनाव का संचालन होता है, निर्देशन व नियंत्रण का अधिकार होता है, चुनाव आयोग उन सभी मामलों में दखल दे सकता है जिनमें वैधानिक स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट 325 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने से वंचित नहीं, मतलब कोई इस धर्म का है कोई उस धर्म का है उसको आप ऐसा नहीं कह करके उसको आप वोटिंग लिस्ट में नहीं डालोगे, आपको डालना होगा। आर्टिकल 326 के तहत चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने का प्रावधान है, मतलब एडल्ट जो देंगे चुनाव का मतलब वोटिंग देंगे। 327 क्या कहता है, संसद को सदन और विधानमंडलों के लिए निर्वाचन विधि बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, संसद जो है सो पार्लियामेंट जो है सो क्या किस तरह का प्रोसेस होना चाहिए उसके लिए राइट्स है। निर्वाचन नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन करना। नेक्स्ट 328 क्या कहता है, राज्य के विधानमंडल को राज्य निर्वाचन से जुड़े नियम बनाने की शक्ति है, संविधान के अनुकूल हो और संसद पर इस पर कोई आपत्ति नहीं हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए। 329 क्या कहता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब इंडिपेंडेंट रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 24, उसके इंडिपेंडेंट रूप से काम करेगी। निर्वाचन आयोग का जो बना था अपना इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को बना था, 1989 तक निर्वाचन आयोग में, 1989 तक ये क्वेश्चन अक्सर बना करते हैं करता है 1989 तक ये निर्वाचन आयोग सिंगल हुआ करता था, लेकिन इसमें धीरे धीरे बदलाव हुआ और दो और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को दो निर्वाचन जोड़े गए, यह नियुक्ति 1 जनवरी 1990 तक ही था, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें होती है और 1993 से अभी भी हम देख रहे हैं एक चुनाव आयुक्त और दो, 65 साल का कार्यकाल होता है आप लोग पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और 5 साल का कार्यकाल होता है। नियमित अंतराल पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराना, मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता करना, और ये टॉपिक इस बार के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इलेक्शन इज गोइंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको इस पर आप सजग रहेंगे और ध्यान देंगे अच्छी तरह से, रिविजन करें तो इस पर जरूर फोकस करें। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आदर्श देखो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन मिल सकते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह कौन देता है, ये इलेक्शन कमीशन देता है, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं यही लागू करता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव में होने वाले खर्चों की सीमा तय करना, इलेक्ट्रोल रोल और वोटर्स की लिस्ट अपडेट करना, चुनाव की तारीखों की घोषणा और चुनाव की समापन की घोषणा, प्रचार अभियान को निष्पक्ष और स्वस्थ रखना, दलों के बीच झगड़ा के विवादों का टालना, जो दो दल लड़ते रहते हैं उनको, जैसे कि बहुत सारे पार्टी अभी देखते हो कुछ कोई कुछ बोल देते हैं कोई कुछ बोल देते हैं, मतलब अनावश्यक शब्द का भी प्रयोग होता है, सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करना, ये सब भी है। दलों और उम्मीद जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है तो हो सकता है अभी कोई सत्ता में है तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, जैसे गाड़ियों का इस्तेमाल करना या फिर अपने स्टाफ का यूज़ करना, ये सब गलत है। दोनों और उम्मीदवारों के आपको जो भी करना है अपने तरीके से, अपना जो फंडिंग है आपका क्राउड फंडिंग है या जो भी है उसके अनुसार आपको करना है। दलों और उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का मानक चुनाव के दौरान पालन किया जाना जरूरी है। जाति और धार्मिक भाषा या समुदायों के बीच मतभेद ना हो, ऐसा काम नहीं करे जिसमें घृणा फैले या तनाव पैदा हो, धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत ना हो, आलोचना कार्यक्रम और नीतियां तक सीमित हो, आलोचना एक लिमिट तक होनी चाहिए, एक लिमिट से बाहर नहीं जानी चाहिए, व्यक्तिगत आलोचना की अनुमति नहीं है। हालांकि आजकल बहुत सारी शब्द देखने को मिल रहे हैं, ये उस पर आरोप लगाता है वो उस पर आरोप लगाता है, लेकिन इंडिविजुअल आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, वोट पाने के लिए जातीय या फिर कॉम्युनल जो है सो आप बात नहीं कर सकते हैं, धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं कर सकते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह होता है, वोट के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मतदाताओं को रिश्वत देने पर रोक है, हालांकि आप जानते हो क्या होता है, परेशान करने और दबाव बनाने पर रोक, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर वोट मांगना, मतलब 100 मीटर के भीतर, 100 मीटर इंपोर्टेंट हो जाता है,
100 मीटर इसके भीतर आप वोट नहीं मांग सकते हो। अनुमति के बिना दीवार अहाते या भूमि का उपयोग नहीं, दूसरे दलों की चुनावी सभा व जुलूसों को बाधा पैदा नहीं करना, चुनावी सभा करने की पूर्व अगर आपको रैली निकालनी है तो आपको पहले परमिशन लेना होगा, अनुमति लेना होगा पुलिस डिपार्टमेंट से वहाँ के आसपास के। सभा स्थल पर निषेधाज्ञा लागू नहीं है। लाउडस्पीकर के लिए उपयोग की अनुमति पहले से लेनी होगी आपको। बाधा पैदा करने वाले से निपटने के लिए पुलिस की सहायता दी जाती है। बाधा पैदा के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं करें। जुलूस को लेकर कायदे, समय, स्थान, मार्ग के बारे में पुलिस को पहले सूचना देनी होगी। इन इलाकों में जुलूस को गुजरना या निषेधाज्ञा लागू ना हो, जुलूस से यातायात प्रभावित ना हो, ये सब छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। मेंस के अंदर तो खैर काम ही आता है, हालांकि अभी हम मेंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर भी छोटे छोटे फैक्ट अंदर दिख जाते हैं। सजग रह के करेंगे तो आराम से हो सकता है। जुलूस को सड़क की बाईं ओर रखा जाए, दो दलों के जुलूसों को टकराव न हो, यातायात को बाधा नहीं पहुंचे, इस बारे में पुलिस को भी जानकारी देनी होगी। ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं जिनका दुरुपयोग, मतलब जैसे वाइन्स वगैरह शराब वगैरह होते हैं, नहीं किया जाना चाहिए। वोट देने की न्यूनतम उम्र 22 से घटाकर 18 साल हो गई। आई थिंक 61st अमेंडमेंट था, यहीं पर जो है 21 से 18 साल किया गया। युवा वर्ग को अपनी भावनाओं व्यक्त करने का मौका मिलता है। इलेक्शन में EVM का इस्तेमाल की व्यवस्था की गई है। 1988 में न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, पहले 21 था 1988 से पहले। बूथ पर कब्जा होने की स्थिति में चुनाव को रद्द करने का प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन हैव पावर, ही कैन डू। मतदाताओं के पहचान पत्र पर फोटो की व्यवस्था की गई। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम को सूचीबद्ध किया गया। चुनाव के दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक, नियमों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान। मतदान के दिन वैतनिक अवकाश की सुविधा, मतलब आपको छुट्टी वहाँ उस जगह पर रहेंगी। एक साथ दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर रोक। चुनाव प्रचार की अवधि सीमित की गई। 1993 में अभी जो बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि कब से ये वोटिंग कार्ड बना, तो वोटिंग कार्ड पे फोटो कब से आने लगा, तो फोटो जो है 1993 से अनिवार्य कर दिया गया आना। 2017 में इलेक्शन बॉन्ड आया, जो चुनावी बॉन्ड हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसको कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पिछले बार नहीं पूछा था, लेकिन इस बार हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ दिख जाए। नेक्स्ट बात करें तो सैन्य बलों में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा दी गई। राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता है। दृष्टिहीन या फिर दिव्यांगजन जिनको हम बोलते हैं, इनके लिए ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई है, इनको भी सुविधाएं दी गई हैं। उम्मीदवार की जमानत राशि बढ़ाई गई है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। चुनावी खर्च की सीमा में इजाफा किया गया। EVM में नोटा का विकल्प भी आया, ये इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म है। चुनाव चंदे में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया। नेक्स्ट बात करें तो ईश्वर चंद विद्यासागर के ऊपर बहुत बात चल रही है, बस एक दो फैक्ट रिकॉल करेंगे। एक बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट शिक्षाविद थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और बंगाल के पुनर्जागरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। वोकल अबाउट कॉजेज ऑफ विडो रीमैरिज, मतलब रीमैरिज एक्ट जो है विडो का, इसमें बहुत भरी, और यहाँ पर एक्ट यहाँ पे 15 नंबर 1856 में जो आया था, इनमें बहुत बड़ा योगदान था इनका। फॉर्ट फॉर वुमेन्स राइट्स के लिए बहुत लड़े, बहुत सारे स्कूल्स खोले। प्लेज आउट टू अपलिफ्ट स्टेटस वुमेन इन इंडिया, मतलब वुमेन को आगे लाने में बहुत काम किया। 1856 का एक्ट देख रहे हैं। एजुकेशन इज द प्रिंसली ट्रेजर ऑफ लाइफ, इन्होंने कहा था, आप कहीं यूज कर सकते हो। जस्ट इट्स अराइवल नॉट ओनली एसेंशियल वेलफेयर एट इंडिविजुअल लेवल बट पाव्स द वे ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट, फॉट अगेंस्ट द इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट लड़ा इन्होंने। स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट पॉलीगैमी, मतलब बहुविवाह जिसको कहते हैं। लॉन्च द मूवमेंट अगेंस्ट दीज सोशल इविल्स, मूवमेंट स्टार्ट किया, और इनकी कुछ रचनाएं हैं। बेतल, पंचवस्थी, ये बेताल कहते हैं, बंगलार इतिहास कहते हैं 1848 में। इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक बार देख लिया। जीवन चरिता, शकुंतला, महाभारता, शीतर वानवस और भारंती विलास, ये सब बंगाली में लिखे हुए हैं आई थिंक। ओटी अल्पा होलिया वही चीज़ें हैं। तो ये सारी बातें आज के आर्टिकल में बोली जाती हैं। रिवीजन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है ये, वैसे भी UPSC की फेवरेट चीज़ों में से एक हैं ये सब चीज़ें। तो आज के न्यूज़ में इतना ही था। थैंक यू।